झरिया के चासनाला में मंगलवार को सीटू के राष्ट्रीय अधिवेशन के उपलक्ष्य में पूरे देश में झंडा दिवस मनाया गया। उसी के तहत आज बिहार कोयलरी कामगार यूनियन सेल चासनाला के सीटू के यूनियन कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीसीकेयू के केंद्रीय अध्यक्ष सुंदरलाल महतो, केंद्रीय अध्यक्ष योगेंद्र महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। नेताओं ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और कहा बीजेपी सरकार मजदूरों को छलने का काम कर रही है, मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है, सारे कल कारखाने बेचने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अधिवेशन रखा गया है और मोदी सरकार का विरोध किया गया। पूरा देश में आज जो है सीआईटीयू झंडा दिवस मना रहे हैं। हर एक जो है हमारा सीआईटीयू का जहाँ जहाँ ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ झंडा फहरा रहा है। जहाँ ऑफिस नहीं है वो अपना घर में फहरा रहा है। पूरा देश में आज हम लोग झंडा दिवस मना रहे हैं। इसमें जो है आज जो मोदी सरकार सब जो बेच रहा है, अब जो रेलवे को बेच रहा है, आपका LIC बेच रहा है, बैंक को जो है निजीकरण कर रहा है, सेल को बेच रहा है, इसी के विरोध में हम लोग जो है झंडा दिवस मना रहे हैं। इसमें हमारा जो है 17वां जो है राष्ट्रीय सम्मेलन जो हमारा होने जा रहा है CITU का, उसमें हम लोग का मेन रहेगा कि निजीकरण पर हम लोग जो है लड़ाई करके कैसे रोके, जो मोदी सरकार आने से सभी आपको कल कारखाना जो बेच रहा इसको विरोध में आज हम लोग झंडा दिवस हम लोग मना रहे हैं CITU का तरफ से। बेंगलोर में हो रहा और उसको सफल सम्मेलन बेंगलोर में CITU। अच्छा, और आप उसको भी सफल बनाने के लिए आप लोग कार्यक्रम? हाँ, उसका सफल बनाने के लिए हमारा CITU झारखंड राज्य से हमारा सब डेलीगेट जाएगा। ऐसे हमारा बिहार कोयला कामगार यूनियन से 3 डेलीगेट मिला, 3 डेलीगेट हमारा यहाँ से जाएगा। आज 10 जनवरी को पूरे देश में CITU की तरफ से झंडा उत्तोलन हम लोग दिवस मना रहे हैं। वैसे CITU का राष्ट्रीय सम्मेलन 18 जनवरी से 22 जनवरी तक चल रहा है, 4 दिन का सम्मेलन है। इसीलिए हम लोग आज झंडा दिवस 10 तारीख को मना रहे हैं। आज पूरे देश में CITU का हर एक कार्यालय में, जहाँ कार्यालय नहीं है वहाँ मजदूर किसान अपने घर में, हम लोग आज झंडा दिवस मना रहे हैं और हम लोग झंडा दिवस मना रहे हैं। और जो CITU का सम्मेलन हो रहा है इसको इस बार जोरदार तरीका से रखा जाएगा। जो केंद्र सरकार निजीकरण पर जो जोर लगाए हुए है उसका विरोध करते हुए हम लोग इस सम्मेलन में फैसला लेंगे और चाहेंगे कि आगे टाइम निजीकरण पर रोक लगाए।